आदेश देण्यात आलेले आहेत। याआधी समाजकंटक व गुन्हेगार स्वरूपाच्या लोकांवर मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे। सामाजिक एकोपा ठेवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर अनेक बैठका घेण्यात आलेल्या आहेत। एसआरपीएफ व होमगार्ड मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण राज्यामध्ये तैनात करण्यात आलेले आहेत। कायद्याची अंमलबजावणी ही पोलिसांची जबाबदारी आहे। कोणीही कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्यास प्रयत्न केल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल। मी महाराष्ट्राच्या संपूर्ण जनतेला आवाहन करतो की त्यांनी राज्यामध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था राखावी व पोलिसांना सहकार्य करावा। ईद और अक्षय तृतीया के इस दिन पे सबको मेरी शुभेच्छा। आज माननीय गृहमंत्री यानी इन्होंने आज बैठक ली और कायदा व सुव्यवस्था के बारे में उन्होंने आढ़ावा लिया। महाराष्ट्र पुलिस कोई भी कायदा व सुव्यवस्था का प्रश्न हटाने में सक्षम है और हमारी पूरी पूर्व तैयारी है। हमने संपूर्ण महाराष्ट्र स्टेट के पुलिस फोर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कौनते ही परिस्थिति में कायदा व सुव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए और इसके लिए जो भी आपको हमें जो स्टेप्स लेने हैं हम जरूर लेंगे। इसके पहले हमने समाजकंटक व गुनेगार जो हमारे समाजकंटक और गुनेगार लोग हैं उन पे बड़े लेवल पे हमने उन पे प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। सामाजिक एकोपा यानी कि कम्युनिटी में हमें जो सामंजस्य रखना है और उसको ध्यान में रखते हुए हमने स्थानिक लेवल पे लोकल लेवल पे बहुत सारी बैठकें ली हैं। एसआरपीएफ और होमगार्ड बड़ी संख्या में पूरे स्टेट में हमने तैनात किए हैं। कायदे की अमल बजावनी जो है वो पुलिस का काम है और किसी को भी कायदा अपने हाथ में लेने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। जो कायदा व सुव्यवस्था खराब करने की कोशिश करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं महाराष्ट्र के संपूर्ण जनता से आह्वान करता हूं कि राज्य में शांतता और सुव्यवस्था रखने के लिए पुलिस का सहकार्य करें। सर, राज ठाकरे यानी कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याचा प्रयत्न ज्याप्रमाणे रॅलीमध्ये बोलतात अशा लोकांवर कारवाई का करत नाही अजून पोलीस? आज आणखी किती वाट बघणार आहे? आपण कोणत्या भाषणाबद्दल बोलताय? जे औरंगाबाद कमिशनर ऑफ पोलीस जे आहे ते भाषणच्या संदर्भात त्यांनी संपूर्ण त्याचा अभ्यास केलेला आहे आणि ते त्या भाषणच्या अनुषंगाने आवश्यक जी कारवाई करायची आहे त्यासाठी ते सक्षम आहे आणि ते सक्षम आहे आणि कारवाई करते। जे काही कारवाई करायची आहे ते करते। ते सीपी औरंगाबाद अभ्यास करत आहे आणि त्या अनुषंगाने जे काही कारवाई करण्यास ते एकदम सक्षम आहे आणि ते आवश्यक ती कारवाई करते। सर, राज ठाकरेंनी काही प्रमाणात भूमी लावली जात आहे आणि असं म्हणतात की कारवाई करत आहे, असं एक जातीय धार्मिक खेळ निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न आहे पोलिसांकडून फक्त भव्य उतरून जातात पण अशा लोकांवर कारवाई केली जात नाही हे मात्र तेवढंच खरं आहे।
कोणीही जातीय ते निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही ते त्यांच्यावर आवश्यक कारवाई आणि कडक कारवाई करू। आणि जसं मी अगोदर सांगितलेलं आहे कि आम्ही मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधात्मक कारवाई केलेली आहे, लोकांना नोटिसेस पण इशू केलेले आहे आणि आम्ही आमचा फोर्स मोठ्या प्रमाणात डिप्लॉयड आहे। आमचे 87 SRPF कंपनीज आणि 30,000 वर होमगार्ड डिप्लॉयड आहे। सर्व युनिटना सूचना देण्यात आलेली आहे कि कोणत्याही प्रकारे तुम्ही कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्यास कोणालाही परवानगी कोणालाही बिघडू देऊ नये। CP Aurangabad is looking into the matter and will take the necessary legal action. He is competent to take the action in the matter. मैं आपको जो बताया है कि जो भाषण के बारे में जो स्टडी और उसका जो लीगल इम्प्लीकेशन है वो CP औरंगाबाद कर रहे हैं, वो मेरे तरफ से नहीं हो रहा है, वो CP औरंगाबाद कर रहे हैं और आवश्यक कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। सर, CP के बाद से आज कोई रिपोर्ट पेश हुई है, आपके पास कोई रिपोर्ट आई है CP औरंगाबाद से, क्या उसमें कुछ कहा गया? हमारे जो भी इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस है उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं करते। हमने बड़े पैमाने पर नोटिस दिए हैं, 15,000 के ऊपर लोगों पे प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है और 149 की नोटिस जो है 13,000 के ऊपर लोगों पे 149 की नोटिस हमने दी है। सर, 3 तारखे से अल्टीमेटम दिला होता राज ठाकरे की, आज भूंग्यात बाबत ते पुढची भूमिका स्पष्ट करणार आहेत, महाराष्ट्र पोलीस या सगळ्या गोष्टींकडे कसं पाहतात आणि काय कारवाई करतात? महाराष्ट्र पुलिस जसं मी सांगितलेलं आहे कोणी कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी आवश्यक ती सर्व आमचे स्टेप्स आम्ही घेतलेले आहे आणि कोणी बिघडवण्याचा प्रयत्न केला तर आवश्यक ती कठोर कारवाई करण्यात येईल। राज ठाकरेंना नोटीस दिली मला ते CP मुंबईला तुम्हाला विचारावं लागेल, माझ्याकडे माहिती नाही। कसं राहणार? मी तुम्हाला सांगितलं की मोठ्या प्रमाणात SRP आणि होमगार्ड डिप्लॉयड आहे, आमचे सर्व लीव्ह कॅन्सल्ड आहे, सर्व अधिकारी कर्मचारी जे आहे आमचे रोडवर आहे, उपस्थित आहे। आज सकाळची ईद शांततेत पार पडलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने आमची संपूर्ण तयारी आहे। कौन से इन्वेस्टिगेशन? हाँ, वो तलवारें में जो मिली है वो धुड़े में मिली है, उसके अनुषंगाने मतलब वहां पे वो गुना दाखिल है धुड़े में और ये सोर्ड जो है वो जालना को लेकर जा रहे थे, उसमें जो भी ऑफेंडर्स हैं सबको अरेस्ट किया गया है और उसकी तहकीकात चालू है। People, forces, extra forces have been deployed in terms of numbers. I told you about how many forces are deployed. I told you that 87 companies of SRPF are deployed and 30,000, more than 30,000 home guards are deployed. Sir, you are saying that the people trust the police, but in 3 months, there is a problem in Aurangabad and everyone has heard the speech. Now, you are saying that the police are not doing anything. मैंने आपको जैसे बताया है CP औरंगाबाद, उसमें जो भी लीगल एक्शन होगा वो CP औरंगाबाद लेंगे और वो सक्षम है और आवश्यक जो कार्रवाई है वो करेंगे। पूरा महाराष्ट्र में पुलिस फोर्स तैनात है, मैंने बुलाया है, स्पष्ट आदेश दिए हैं, हमारे संपूर्ण महाराष्ट्र की पुलिस जो है वो रेडी मोड में है और जो भी
कायदा और सुव्यवस्था खराब करने की कोशिश करेगा उन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी देखिए मैंने अपना बता दिया और आपके चार पांच क्वेश्चन जो मैंने आंसर किए हैं, अभी लास्ट एक दो क्वेश्चन में ले लेता हूँ बताए और एक एक आदमी बोले सर। आपको लगता है अभी तक कि ऐसे भाषण मतलब कायदा सुव्यवस्था को खराब करने वाला उनका भाषण नहीं रहा है क्या? मैंने आपको जैसे बोला है सीपी औरंगाबाद उसमें तहकीकात करके आवश्यक कार्रवाई आज ही अगर जो भी होगी कार्रवाई आज ही होगी वो कर रहे हैं वो उनसे आप उन वो सक्षम है करने के लिए और उनका उसमें जो लीगल प्रोसेस है चालू है। दो पार्ट है, पहला जो इनका पार्ट है वही तो उसमें अभी तक कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया या गिरफ्तार किया गया है पहला, और उसका दूसरा पार्ट की जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं मुंबई में भी है और महाराष्ट्र में है उनके लिए आपकी खास तौर पर क्या सोच? देखो प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको, एग्जैक्ट फिगर कितने तड़ी पार हुए वो सब डिटेल हमारे आईजी लॉ एंड ऑर्डर से आप ले लीजिए बाद में। बाकी जो मैंने आपको बताया पहले कि हमने सब कम्युनिटीज की मीटिंग ली है, हर जगह हमने पीस कमेटी मोहल्ला कमेटी मीटिंग ली है, हमने लोगों को अपील किया है कि आप शांतता रखें और हर जगह लोग हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं। आज का जो ईद का सुबह का जो फेस्टिवल है बड़े शांतते में गया है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हुआ नहीं है और लोगों ने पुलिस के साथ कोऑपरेशन दिया है तो इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं आ रही। शांतता राखण्याचं जनतेला आवाहन केले, पोलीस महासंचालकांची पत्रकार परिषद आपण पाहिली, संवेदनशील भागामध्ये विशेष लक्ष असल्याचं त्यांनी म्हटलंय।